वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा, इस बजट से ज़राअत और समाजी शोबे में बढ़ेगी सरमायाकारी। मरकजी काबीना ने वजीर आजम दही सड़क स्कीम पे तीसरे मरहले को दी मंजूरी। वजीर आजम की सदारत वहीं काबीना की मीटिंग में कई अहम तजावीज पर लगाई गई मुहर। रियासत के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, दही इलाकों तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाना हुकूमत का हदफ। दूरदर्शन मरकज लखनऊ मिशन हेल्थ सीजन 3 प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। और आईसीसी वर्ल्ड कप की बारिश से मुतासर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। भारत वर्ल्ड कप मुकाबले से हुआ बाहर। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस बजट से ज़राअत और समाजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी का हदफ 1.05 लाख करोड़ रखने के लिए अहद की पाबंद है। माली साल 2019-20 के लिए पार्लियामेंट में गुज़श्ता हफ्ते पेश बजट के आदाद व शुमार पर अपोजिशन के जरिए उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए वजीर मालियात ने कहा कि बजट में दिया गया हर आदाद व शुमार मोतबर है और लेकर किसी तरह की कयास आराई की जरूरत नहीं है। लोकसभा में बजट पर 3 दिन में तकरीबन 16 घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट में दर्ज आदाद और शुमार को लेकर कयास आराइयों की जरूरत नहीं है। इसमें दिया गया हर आदाद और शुमार काबिल एतबार है। हुकूमत इनकलाबी तब्दीलियों में यकीन रखती है। बजट में हर शोबे को अहमियत दी गई है। The growth rate of nominal GDP for 2019-20 in the budget document has been projected at 12% over the advanced nominal GDP estimates of 188,40,731 crores for 2018-19. The advanced estimates of 2018-19 were released. The dates are important. The advanced estimates for 2018-19 were released on 7th January 2019. The next, which is equally important so that all the gaps can be filled up. The growth rate of nominal GDP for 2019-20 in the economic survey, please note the first one which I said was for the budget documents. This is about the economic survey. The growth rate of the nominal GDP for 2019-20 in the economic survey has been projected at 11%. मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले लिए गए जिसके तहत हुकूमत ने वजीर आजम सड़क स्कीम के तीसरे मरहले को मंजूरी दी है। लेकिन एक प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल जी के समय शुरू हुई और बेहद लोकप्रिय योजना है, उसके तीसरे फेज का, क्योंकि अभी सभी गांव जोड़े गए तो आगे कैसे और उसको करेंगे, ये एक निर्णय हुआ और बहुत बड़ी लागत के आधार पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार हो रहा है। मरकजी काबीना ने ट्रांसजेंडर लोगों के तहफ़ और उनके हकूक को लेकर बिल पर मुहर लगाई है। इसमें उन्हें इकतसादी, समाजी और तालीमी शोबे में मजबूत बनाने का भी इंतजाम किया गया है। हम दुनिया को अभी मेन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री, इतने दोन ही वर्ग में देखते हैं। लेकिन एक नैसर्गिक स्थिति है कुछ लोगों की कि जिसमें वो ट्रांसजेंडर है और वो कोई अपराध नहीं है, उनको एक पहचान का हक देने का फैसला भी आज हुआ है। हुकूमत ने बच्चों का इस्तेहसाल रोकने के लिए जिंसी जरायम से बच्चों की हिफाजत करने से मुताल्लिक एक्ट को मजीद कारगर बनाने की मंजूरी दी है। हुकूमत ने पॉस्को कानून में तरमीम करने पर भी रजामंदी जाहिर की है। बच्चों के रियासत के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उनकी हुकूमत रियासत में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बात आज दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के मिशन हेल्थ सीजन 3 के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कही। वजीर सेहत ने बताया कि रियासत के 28 अजला में तिब्बी सहूलियात और सेहत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सहूलत मुहैया कराई गई है।
हमने 28 डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया है टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन। कंसल्टेशन का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ बुखार होता है तो हम सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाते, अस्पताल भागता है। दर्द है क्या करना,
इसके बारे में आज चर्चा हुई है। हरदोई 32 के सापेक्ष 45 हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो जो पूछताछ है दुर्घटना में, पूरे मुल्क के 18 मराकज पर इन दिनों स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का इनेकाद हो रहा है। हैकाथॉन में IIT और NIT समेत मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 2000 तलबा मुख्तलिफ शोबों के रोज़मर्रा के मसाइल का हल तलाश करने में लगे हुए हैं। 8 जुलाई से शुरू हुआ हैकाथॉन लगातार 5 दिनों तक चलेगा। राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वाहन चालकों को वायु प्रदूषण की सबसे अधिक मार झेलनी पड़ती है। ओडिशा के बरहामपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जो किसी खास इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक बताने के साथ साथ कम प्रदूषण वाले रास्तों की जानकारी भी देता है। इस ऐप के आधार पर ये छात्र ऐसा उपकरण बनाने की तैयारी में है जो वाहन चालकों को कम प्रदूषण वाले रास्तों की जानकारी देगा। इस उपकरण की खासियत ये होगी कि इसे चलती गाड़ी में भी लगाया जा सकेगा। We have made an IoT based solution of combining both hardware and software. In hardware for finding the pollutant level like CO, PM10, PM2.5, and NO2, SO2 and harmful pollutants in the air. From the pollutant, we are calculating the air quality index. After calculation of the air quality index, we are pushing the values to the server. After pushing the values to the server, it will be accessed through a web page or an Android app. दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन है इंडिया में देखा जाए तो हम सोचे कि इसको अप्लाई करते हैं, ये आइडिया डायनामिकली कार में फिट करते हैं। दिल्ली में बहुत व्हीकल्स भी लोग जाना आना करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से लोग जान पाएंगे कि कैसे कितना पोल्यूशन लेवल है। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की कोशिश अगर रंग लाई तो आने वाले समय में आपको काढ़ा बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये छात्र काढ़ा, जो कि भारत में काफी मशहूर आयुर्वेदिक दवाई है, उसे तैयार करने की मशीन विकसित कर रहे हैं। जो बेस मटेरियल होगा हमारा वो इसमें डाला जाएगा, इसमें रहेगा। ये हमारा मेन कूलर पार्ट है और ये मोटर है, इसके थ्रू ही ये स्टीर होगा। अब स्टीर से ये टेम्परेचर कंटिन्यू वेरिएशन होगा। ये LCD है और ये कीपैड, यहाँ पर हम हमारा डेटा एंटर करेंगे कि विच टाइप ऑफ डिकॉक्शन वी हैव टू मेन। नए नए आइडिया के साथ ये छात्र जुटे हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में, जिसका आयोजन 8 से 12 जुलाई तक देश के 18 केंद्रों पर हो रहा है। इस साल हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में देश के 178 इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 2000 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। ये छात्र कृषि और ग्रामीण विकास, फूड टेक्नोलॉजी, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट वाहन, रोबोटिक्स और ड्रोन, सुरक्षा और निगरानी, सतत पर्यावरण और स्मार्ट सिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 124 समस्याओं के हार्डवेयर समाधान ढूंढने में जुटे हैं। हुकूमत के जरिए लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने की अहम स्कीम ने नई इबारत लिखी है, जिसके तहत मुस्तफदीन के बैंक अकाउंट में अब तक कुल 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अहम स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री जनधन स्कीम ने भी एक नया मुकाम हासिल किया। जनधन अकाउंट में जमा पैसों का नया रिकॉर्ड बन चुका है। जनधन स्कीम के तहत खोले गए बैंक अकाउंट में जमा रकम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी हुकूमत ने 5 साल पहले यह जनधन स्कीम शुरू की थी। ताजा आदाद शुमार के मुताबिक जनधन अकाउंट में कुल जमा रकम में लगातार इजाफा हो रहा है और यह 1 लाख करोड़ रुपए के पार 1,495.95 करोड़ रुपए हो गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लेने के लिए एक रोजा दौरे पर आज अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सीनियर समाजी कारकुन आन जहानी गंगा प्रसाद गुप्ता के घर पहुंचकर उनके अहले खाना को ताजियत पेश की और उनकी तस्वीर पर गुलपोशी की। इसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी में अपने शिकस्त को लेकर वहां के बूथ सुदूर, ब्लॉक सुदूर और दीगर मकामी लीडरान के साथ मीटिंग की और इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लिया। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में राहुल गांधी ने सभी लीडरान और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल किया। राहुल
غیر قانونی کانکنی ناجائز طریقوں سے پیسہ کمانے اور دیگر بڑے جرائم ملوث لوگوں کے خلاف سی بی آئی کی کارروائی آج بھی جاری ہے۔ بدھ کی صبح سے ہی سی بی آئی کی ٹیموں نے یو پی کے بلند شہر ضلع مجسٹریٹ ابھے سنگھ کی رہائش گاہ سمیت 12 مقامات پر چھاپہ مارا۔ غیر قانونی کانکنی سے جڑے معاملوں میں سی بی آئی یہ کارروائی کر رہی ہے۔ سی بی آئی نے لکھنؤ، بلند شہر، فتح پور، اعظم گڑھ، الہ آباد، نوئیڈا، گورکھپور، دیوریا وغیرہ شہروں میں چھاپہ مارا ہے۔ سی بی آئی نے آئی ایس افسر ابھے کمار سنگھ اور ویویک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ ان چھاپوں کے دوران ابھے کمار سنگھ کے گھر سے 47 لاکھ روپے اور دیوریا میں اس وقت اے ڈی ایم رہے دیوی شرن اپادھیائے کے گھر سے 10 لاکھ روپے نقد ملنے کی اطلاع ہے۔ دیوی شرن اپادھیائے اس وقت سی ڈی او اعظم گڑھ ہیں۔ وہیں دوسری جانب بلند شہر کے ضلع مجسٹریٹ نے پریس نوٹ جاری کر کے اپنے اوپر لگے الزامات کو غلط بتایا ہے۔ مایاوتی کے دور حکومت میں پرنسپل سیکرٹری رہے ریٹائرڈ آئی اے ایس نیت رام کے گھر پر سی بی آئی نے چھاپہ مارا۔ سی بی آئی حکومت میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے نیت رام کے لکھنؤ میں واقع گومتی نگر اور علی گنج کے دونوں مکانوں پر سی بی آئی نے چھاپہ مار کر کئی اہم دستاویز اپنے قبضے میں لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بی ایس پی حکومت میں یو پی شوگر کارپوریشن میں ایم ڈی رہے ونے پریا دوبے کی رہائش گاہ پر بھی چینی میل گھپلے کے الزامات کو لے کر سی بی آئی نے چھاپہ مارا۔ اس سے قبل نیت رام کے گھر پر محکمہ انکم ٹیکس نے بھی چھاپہ مارا تھا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے دلی سے لے کر لکھنؤ تک ان کے درجن بھر ٹھکانوں پر چھاپے مار کر بینک کھاتوں کو سیز کیا تھا۔ لکھنؤ میں آج اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اور اتر پردیش اطفال حقوق کمیشن کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے موضوع پر منعقد اس کانفرنس میں اتر پردیش اطفال حقوق کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر وشیش کمار گپتا نے کہا کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ تبھی کیا جا سکتا ہے جب سرکاری اسکیموں کو عوامی تعاون ملے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی ہمیشہ کوشش رہی کہ عوامی بیداری اور عوامی شراکت کے ذریعے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کی جاتی رہے۔ اگنو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منورما سنگھ نے بھی کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہیں کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے یونیورسٹی کے معاون علاقائی ڈائریکٹر ڈاکٹر کیرتی وکرم سنگھ نے کہا کہ بچے ملک کا مستقبل ہیں اور ہمیں چاہیے کہ انہیں محفوظ ماحول میں پروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس کا راجیہ بال سرکشن آیوگ ہے، یہ پوری گھٹناؤں کا پورے پردیش پر نگاہ رکھ رہا ہے، نظر رکھ رہا ہے، چاہے وہ بال گرہوں میں گھٹت ہونے والی گھٹنائیں ہوں، چاہے وہ فیس سے جڑی ہی بچوں کی گھٹنائیں ہوں، چاہے وہ شکشا کے ادھیکار سے جڑی گھٹنائیں ہوں، چاہے وہ پاکسو کے انترگت آنے والی گھٹنائیں ہوں، ہمارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ ٹھیک سے کام کریں، بچوں کے ادھیکار کا سرکشن ہو۔ وارانسی کے سمپورنانند ثقافتی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر راجا رام شکلا نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 سے 14 جولائی تک سمپورنانند ثقافتی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسکالرشپ مہاکمبھ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بھارت، میانمار، بیلجیم، اٹلی، بھوٹان، نیپال وغیرہ ممالک سے تقریباً 100 دانشور شرکت کر رہے ہیں اور یہ سبھی دانشور ہندوستانی اسکالرشپ روایت سے جڑے ہیں۔ یہ پروگرام بھارت میں عالمی سطح پر پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی بھارت کے قدیم نظام تعلیم کو کیسے شروع کیا جائے اس پر بھی پر غور و خوص کریں گے۔ رامپور کی ٹانڈا میونسپل کونسل میں 4 کروڑ روپے کی لاگت سے بنے بارات گھر کا بی جے پی لیڈر جیا پردا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے اور سماج کی ترقی کے معاملے میں ہی پارلیمنٹ میں اٹھانے چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بارات گھر سے مقامی لوگوں کو بڑا فائدہ ملے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی آبی تحفظ مہم میں چترکوٹ پولیس بھی شامل ہو گئی۔ سماجی تحفظ کی ذمہ داری کے علاوہ ضلع کی پولیس کا ایک اور کردار بھی ہے، جو پھاٹا علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف وہاں سنبھالنے کے ساتھ ہی پانی کے لیے ترستے اس علاقے میں قطرہ قطرہ پانی بچانے کی لڑائی بھی لڑ رہی ہے۔ ضلع میں آبی تحفظ اور ماحولیات کو لے کر پولیس کی یہ پہل دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بلونت چودھری کی لگن اور محنت کے ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کے تعاون سے پولیس سپرنٹینڈنٹ دفتر پولیس لائن میں رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم تیار کیے گئے ہیں، جو پانی بچا کر خشک زمین کی پیاس بجھانے کے ساتھ ہی سینکڑوں پودوں کی پانی فراہم کر کے ماحولیات کا بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پیڑ لگے انہوں نے، تو سب لوگ آتے ہیں، انہوں نے سب کرمچاریوں کو ایک پیڑ دے رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو سب لوگ ورکنگ ٹائم سے پہلے آ کے ہم لوگ اپنے پیڑ کو دیکھتے ہیں اور جانے سے پہلے، وہاں گھر جانے سے پہلے پیڑ کو دیکھتے ہیں، تو ان پیڑوں سے ہمارا لگاؤ ہو گیا ہے۔
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि साल 2018 में नवंबर के महीने में नौतामिर पुलिस सुपरिटेंडेंट दफ्तर में खाली पड़ी जमीन पर अफसरान और पुलिस अहलकारों के नाम से 125 पौधे लगाए गए थे। इनको पानी मुहैया कराने के लिए दफ्तर की छत और सभी वॉश बेसिन के पानी को अलग अलग नालियों के जरिए दो छोटे और एक बड़े गड्ढे में जखीरा करके उससे पौधों की आबपाशी की जाती है और गड्ढे में जमा पानी सीधे जमीन के अंदर पहुंचता है, जिससे जमीन की आबी सतह में भी इजाफा होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री की असीम प्रेरणा है, जो है उनकी प्रेरणा स्वरूप हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। वो भी अपने व्यस्त समय से काफ़ी समय निकाल लेते हैं अन्य इस तरह के कार्यों के लिए जो है। तो हमने भी जल संचयन वाला कार्यक्रम शुरू किया कि हमने देखा कि हमारा सारा पानी जो भी बरसात का है जो इकट्ठा होता है या इधर उधर से जो खराब पानी है वो बह जाता है, उसको हमने जो है कि इकट्ठा करके अपने कार्यालय कैंपस में ही जो है एक जगह जो उसको जो है भूमिगत कराने के लिए सोची। इसके लिए हमने जो है कि अपने प्रयासों से स्वयं कार्यालय कर्मियों के श्रमदान से गड्ढे खोदे। यहाँ पर देखा आपने दो छोटे गड्ढे, एक बड़ा गड्ढा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में भी हमने इसी तरह जल संचयन के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रखा है। बारिश के पानी का जखीरा और जेर जमीन पानी की सतह को बनाए रखने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी शराकत की अपील की है। मरकजी वजारत बराए जल शक्ति की तश्कील करके वजीर आजम पूरे मुल्क में हर शख्स को इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं, जिससे मुस्तकबिल में आने वाले आबी बहरान का हल ढूंढा जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जन शक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चिंता अनायास नहीं है, केंद्रीय सरकार का संकल्प कि हर घर के लिए नल, हर नल में जल, इस बात की ओर इशारा करता है कि भूगर्भ जल की स्थिति यदि यही रही तो पहले नदियां सूखी, तालाब, पोखर, बावड़ियां सूखी और अब हलक सूखने की बारी है। और इसी चेतावनी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया है। हम सबको मिलकर के काम करना है साथियों। पानी के संरक्षण और संचयन के साथ साथ घर घर पानी पहुंचाना भी जरूरी है। प्रदेश में अगर भूगर्भ जल के गिरते स्तर की बात करें, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारिश से मुतासर सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से शिकस्त दे दी। बारिश की वजह से गुज़िश्ता रोज रुके मैच को आज आगे बढ़ाया गया। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 240 रनों का हदफ रखा, जिसका ताकुब करते हुए भारत की पूरी टीम 221 रनों पर पवेलियन लौट गई। भारत की जानिब से रविन्द्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाए। आज की शिकस्त के बाद भारत वर्ल्ड कप मुकाबले से बाहर हो गया है। आज लखनऊ में श्री कृष्ण प्रताप सिंह स्मृति आध्यात्म चिंतन व्याख्यान माला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रामानुज लक्ष्मण और लक्ष्मण पुरी के मौजू पर मुनक़द तकरीब में कई सीनियर हस्तियों ने शिरकत की। तकरीब में सीनियर अदीबों को एजाज से भी सरफराज किया गया। श्रावस्ती जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से मामूलात जिंदगी शदीद तौर पर मुतासर। राप्ती नदी के किनारे आबाद मध्य नगरा गांव में सैलाब का खतरा बढ़ा है। लोगों को बड़े अरमानों से बनाए हुए आशियानों को अपने ही हाथों से उजाड़ना पड़ रहा है। गांव के ज्यादातर लोग गांव से नकल मकानी कर चुके हैं। वहीं इंतजामिया सैलाब से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार बता रहा है। दस बीस पचास आदमी प्रधान जी लेकर के, लेकिन उनकी बात का भी कोई इतबार नहीं किया और ना कोई यहाँ देखने आया मौके पर। आप सबके घर कटा था, कहूँ बैठे उठे ठोर ना है, जहाँ जाओ तहाँ कहूँ ना है कि कहूँ बैठ जाओ। और हमारे गांव में कोई अधिकारी आवत ना है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गोंडा, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बांदा, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, सीतापुर, जौनपुर, जालौन, उन्नाव, अलीगढ़ और लखनऊ में बारिश की वजह से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आखिर में अहम खबर एक बार फिर।
वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस बजट से ज़राअत और समाजी शोबे में बढ़ेगी सरमायाकारी। मरकजी काबीना ने वजीर आजम दही सड़क स्कीम के तीसरे मरहले को दी मंजूरी। वजीर आजम की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में कई अहम तजावीज पर लगाई गई मुहर। रियासत के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा देही इलाकों तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाना हुकूमत का हदफ। दूरदर्शन मरकज लखनऊ में मिशन हेल्थ सीजन 3 प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। और आईसीसी वर्ल्ड कप के बारिश से मुतासरा पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। भारत वर्ल्ड कप मुकाबले से हुआ बाहर। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। शबा खैर।